प्रॉब्लम वो है, भूपेश बघेल जी तो जानते हैं, वो खुद जेल में जा रहे हैं, खुद साथ में और 10 लोगों को लेके जाना चाहते हैं, वो बात छोड़ दीजिए, बाकी 9 लोगों का हिसाब बाकी जगह में होगा। लेकिन फिलहाल ईडी तो आया भी नहीं, सुनाव का बात तो ईडी आएगा ही। কেলেঙ্কারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হলেন ভূপেশ বাঘেল। মুখ্যমন্ত্রী বাঘেলজি নিজের কেলেঙ্কারির মহাভারত ছাড়তে অন্যের উপর কেলেঙ্কারি খুঁজছেন। সাহস থাকলে নিজের 508 কোটি টাকার মহাদেব অ্যাপ দুর্নীতির সাফাই দিতে ভূপেশ বাঘেলকে কামান দাগেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, সনাতন ধর্মে আঘাত করে ভগবান মহাদেবের নাম করে 508 কোটি টাকা খেয়েছেন। বাঘেল সরকার এক তীরে দুই শিকার করছেন। একটি প্রশ্নের উত্তরে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, কংগ্রেসীরা হিমন্ত বিশ্বের নাম না বললে রাতে ঘুম আসে না তাদের। বুঝিয়ে দেন, বাঘেল সরকার ইডি সিবিআই কে ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু এখনো ইডি সিবিআই মাঠে নামেনি। এখন ছত্তিশগড়বাসী কেলেঙ্কারির হিসেব নেবেন বলে, বাঘেলজি পার থেকে মুক্ত হতে গঙ্গায় ডুব দিতে হবে বলে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রীকে সতর্ক করে দেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ভূপেশ বাঘেলজি अपना सफाई देने का जरूरत है, दूसरा का ऊपर अंगुली उठाने से उनका जो पाप है वो गंगा माँ आके साफ नहीं कर देते हैं। पहला बात, जब तोमर जी का बेटा का ऊपर आरोप हुआ, तोमर जी ने खुद बोला कि ईडी जांच करे, सीबीआई जांच करे, लेकिन भूपेश बघेल जी तो ईडी को भी जांच करने नहीं देते है, सीबीआई को भी जांच करने नहीं देते है, उल्टा वो दूसरा का ऊपर अंगुली उठाते रहते हैं। भाई, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, आप 508 करोड़ रुपया का हिसाब दे दो, अब फिर दुनिया में और कौन कौन भ्रष्टाचारी है उनका लिस्ट क्यों गिनाते हो? आप तो भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है, तो आपको मालूम होगा कौन दुनिया में कौन भ्रष्टाचार है। अभी भूपेश बघेल एक एनसाइक्लोपीडिया हो गया, उनको पास जाओ तो अब कौन कौन भ्रष्टाचारी है लिस्ट गिना देते है। अरे भाई, अपना सफाई दो ना, 508 करोड़ रुपया आपने खाया, फिर महादेव का नाम भी इस्तेमाल किया कि हिंदू का थोड़ा सा सर्वनाश हो जाए, आपने तो दोनों तीर लगा के रखा है, माल भी कमा रहा है और हिंदू को भी बदनाम कर रहा है। अभी भाई, आप पूछो भूपेश बघेल जी को, आपने 508 करोड़ रुपया खाया? नहीं, वो भी। अरे भाई, आप दूसरा का बात क्यों बोलते हैं? अभी तो आपका चुनाव है, आपका सफाई छत्तीसगढ़ का जनता को देना है। अभी मैं आपको पूछूं कोई बात, मेरा ऊपर हिमंत बिश्व शर्मा आपने 50 कर खाया है, मैं बोलूं भूपेश बघेल भी खाया है, ये क्या ड्रामा है? मैं तो अद्भुत लॉजिक ये छत्तीसगढ़ में ही सुना हूं, एक भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी का नाम पूछने से और 10 भ्रष्टाचारी का नाम गिना देता है। नहीं नहीं, वो तो वाइस चांसलर है क्या? मतलब वो विश्वविद्यालय का वो वाइस चांसलर रहेगा, वो विश्वविद्यालय का। कल मैंने भाषण में बोला, दुनिया में मेरा नाम तो लेना मेरे लिए गौरव का बात है ना, कांग्रेसी लोग तो मेरा ही नाम लेता है, उससे उनका अच्छा नींद आते है, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ते है। लेकिन बात ऐसा है, जैसे छत्तीसगढ़ में इनोवेशन हुआ करप्शन का, ऐप बोलो, पेडी खरीदता है उससे भी मिल का मालिक का साथ बंटवारा करो, दारू का धंधा करो, एक लाइसेंस का एक बिना लाइसेंस का, ऐसा स्कैम कहीं नहीं हुआ है। भाई साहब, आप लोग भी छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, हमारा देश में कोई जगह में इतना करप्शन का इनोवेशन नहीं हुआ है जितना छत्तीसगढ़ में हुआ है, पूरा इनोवेशन ही इनोवेशन। भाई, ऐप बना के भी पैसा लूटना कोई पॉलिटिशियन तो आज का सोचा भी नहीं है, भूपेश बघेल का सोच कितना आगे निकल गया है। यही बात है ना, प्रॉब्लम वो है, भूपेश बघेल जी तो जानते हैं, वो खुद जेल में जा रहे हैं, खुद साथ में और 10 लोगों को लेके जाना चाहते हैं, वो बात छोड़ दीजिए, बाकी 9 लोगों का हिसाब बाकी जगह में होगा। लेकिन फिलहाल ईडी तो आया भी नहीं, सुनाव का बात तो ईडी आएगा ही, कहाँ ईडी आया भूपेश बघेल का घर में? अभी तक तो ईडी आया भी नहीं, कहीं नहीं तो शुरू भी नहीं हुआ है। ये तो ईडी का बड़प्पन है कि चुनाव लड़ने के लिए बघेल जी को समय दे दिया। अभी ईडी तो आया ही नहीं, आया कहाँ? ईडी जो जब कर रहा है,
बघेल जी का घर में अभी कोई ईडी का रेट पड़ा है क्या? अभी तो सबसे खुश दिए सिंहदेव जी है ना, जो भी कारोबार कारोबारी हो रहा है। नहीं देखिए, ईडी हैज शोइंग लॉट ऑफ मैग्नानिमिटी बाय नॉट आस्किंग भूपेश बघेल टू ज्वाइन इन इन्वेस्टिगेशन बिफोर द इलेक्शन। आई थिंक ईडी हैज नॉट शोन दैट काइंड ऑफ कंसेशन टू एनी पॉलिटिशियन ऑफ एनीवेयर इन इंडिया। मैं तो हैरान हो गया हूँ, 508 करोड़ रुपया का अपने कोर्ट में बता दिया है कि बघेल जी ने लिया है, फिर भी बघेल जी को नोटिस भी नहीं दिया है अभी तक। तो बघेल जी तो ईडी का धन्यवाद करना चाहते हैं, ऐसा सुविधा ईडी तो किसी को नहीं देते हैं। ईडी और बघेल जी का भी संपर्क बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आज तक ईडी अभी तक नोटिस क्यों नहीं दिया है 508 करोड़ रुपया? कोर्ट में तो बता दिया है माल पहुंच गया है, फिर भी नोटिस नहीं दिया है कि सुनाओ, तो कम से कम सुनाओ लड़े। कम से कम भूपेश बघेल जी को ईडी को कोई ईडी का खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। ईडी ने इतना मैग्नानिमिटी किसी का साथ नहीं दिखाया जो भूपेश बघेल जी का साथ दिखाया है। इसके पीछे भी कुछ वजह मानी जाए? वजह यही है भाई, ठीक है बघेल जी को जनता से पहले महादेव का पाप ले लो, बाद में ईडी का पाप लेना। पहले धक्का जनता से ले लो, बाद में ईडी से ले लेना। एक ट्वीट किया सर और लिखा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बेटे का, यही बताया ना भूपेश बघेल जी क्यों दूसरा का बात बोलते हैं? पहले जो वायरल है, पहले जो बातें है भूपेश बघेल जी का है। आप तोमर जी का बेटा का बात मध्य प्रदेश में उठाएगा, उन्होंने रिप्लाई भी दे दिया है कि ईडीआई सीबीआई मेरा जांच करे। लेकिन भूपेश बघेल जी अभी अगर कोई मेघालय में कुछ होगा करप्शन, वो भी बघेल जी ट्वीट करेगा। मतलब पूरा करप्शन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भूपेश बघेल जी ही बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए संवाद এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।